नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहले सूखा अब पलायन। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डांस बार को मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारे अंबेडकर। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जंगल राज रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेलगाम हुए तेल के दाम। कांग्रेस के निशाने पर है इस वक्त रामदेव। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आप सबका स्वागत है इंडिया बोलता है मैं। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। चलिए रुख करते हैं दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बेलगाम नेता। आज हम प्राइम टाइम में इसी पर ही बातचीत करेंगे, आखिर बड़ बोले जो नेता हैं, आखिर इनकी जुबान कब थमेगी। स्वागत है आपका चीकू की चुनौती। जी हाँ, करीब दो महीने के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल सीजन 9 में अब आज से टॉप 2 की खोज शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं खबरदार इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया की खास पेशकश जरा सोचो तो सही। जरा सोचो तो सही इसलिए क्योंकि मैं अपने शो में कुछ सवाल पूछने वाला हूं आपसे। उस सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे और जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं आ गया हूं वेब मॉल में और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके पास कितना दिमाग है। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरे वतन के लोगों। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भारत माता की जय कहने से इनकार करने वालों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों से असहमति जताई है। इधर मुंबई में भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 14 से 16 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन नौवहन मंत्रालय ने किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान पीएम के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस कटौती के बाद रेपो रेट में 6.75% से घटकर 6.5% रहे। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान JIC की रिपोर्ट लीक हुई है। इस रिपोर्ट में हमले को भारत की ओर से किया गया नाटक करार दिया। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर जाट नेता हवा सिंह सांगवान का बयान आया है। हवा सिंह सांगवान ने कहा है कि गन पॉइंट पर जाट आरक्षण दिया गया था। हवा सिंह सांगवान का ये बयान सामने आया है। जी हाँ, भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, जाट नेता हवा सिंह सांगवान का बड़ा बयान आया है। जाट आरक्षण के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर बड़ा बयान, गन पॉइंट पर आरक्षण दिया गया, ये कहना है जाट नेता हवा सिंह सांगवान का। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान जी सीधे फोन लाइन पर मौजूद है। हवा सिंह सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया पर। और मतलब अब आप ठीक है, मतलब अब आप कह रहे हैं कि जो जाटों को आरक्षण मिला है वो गन पॉइंट पे नहीं मिला है, कैप्टन अजय यादव ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सांगवान साहब, आप भी लाइन पर रहिए। अजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया पर। यादव साहब, क्या कहेंगे आप? सांगवान साहब कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे आरक्षण नहीं दिया गया। काम जो करेगी वो तो सरकार ही करेगी और उसको करना भी चाहिए। और उनको निश्चित रूप से जो किसान हैं जिनकी इस वक्त दुर्दशा हो रखी है क्योंकि लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और अब जिस तरह से पलायन की स्थिति नजर आ रही है वो निश्चित रूप से समस्या है। जातिगत राजनीति जो है बहुत पहले से होती आ रही है। दलित कार्ड अब जिस तरह से खेला जा रहा है राजनीतिक विसात पर, वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। हमारे साथ अशोक जी हैं, दलित नेता हैं, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। तो अशोक जी, क्या ये माना जा सकता है, आप भी मानते होंगे कि इस वक्त जो है दलित कार्ड हर राजनीतिक पार्टी खेलना चाह रही है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी है वो दलित वोट बैंक को अपना बनाने की जुगत में है कि जो बाबा जी को राजनीतिक रूप में कैद करना चाहते हैं उन सबको इसमें कोई एक नहीं कर रहा है कैद, सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, समाजवादी पार्टी भी इससे दूर नहीं है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, पहले उसके विधायक बागी होते हैं, उसके बाद अब कांग्रेस का रामदेव पर आरोप लगाना और रामदेव का उन आरोपों को सिरे से नकार देना कई सवाल पैदा कर रहा है। जोशी साहब, एक बात सुनिए पहले, जोशी साहब बात सुनिए, आप आरोप कब लगा रहे हैं, आरोप कब लगा रहे हैं रामदेव पर? देखिए, हम तो लगातार लगातार अभी की बात बताइए, अभी लगा रहे हैं आरोप? ये हम ये तो अभी आरोप लगा रहे हैं आप जोशी साहब? नहीं,
दो साल तीन साल। अरे साहब अभी की बात कीजिए, पहले अभी की बात कीजिए। जोशी साहब आप बात समझ रहे हैं पहले मैं क्या कह रहा हूँ। आप आरोप अभी लगा रहे हैं, साबित कब करेंगे ये बताइए। तनु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया पर, क्या है आपकी राय। लेकिन एक और अहम चीज ये है नम्रता, अगर हम इस पूरे मसले को देखते हैं तो एक चीज ये भी नजर आती है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं शांति से आंदोलन कीजिए, शांत रहकर आंदोलन कीजिए, लेकिन अगर उग्र आप प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आज पहला क्वालिफायर मुकाबला होगा, बहुत अहम मुकाबला और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद, क्योंकि एक तरफ विराट कोहली होंगे तो दूसरी तरफ सुरेश रैना के दिग्गज होंगे। हाँ, लेकिन आपने ट्रायल्स की बात की और ट्रायल्स कभी हुए हैं, लेकिन सुशील कुमार लगातार इसी पक्ष में थे कि हाँ ट्रायल्स हो और ट्रायल्स में जो अच्छा प्रदर्शन करे, जो जीतेगा उसको रियो ओलंपिक का टिकट मिलना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं आशीष इस बात की भी तस्दीक देता है कि जो काबिल होगा वो अगर रियो के लिए जाएगा, रियो ओलंपिक में खेलने जाएगा, तो भारत का ही नाम होगा और भारत के लिए सोने का तमगा या फिर कोई भी तमगा आने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तान की टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही ये रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपी भी जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट से जुड़े जो खुलासे हुए हैं वो पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का नापाक चेहरा हमारे इस रिपोर्ट। हम कर रहे हैं रियलिटी चेक। आखिर 26 जनवरी नजदीक है और 26 जनवरी कितने लोग जानते हैं 26 जनवरी को। हम एक कॉलेज के सामने हैं, कॉलेज के बाहर हैं और यहाँ जो कॉलेज की लड़कियां हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 26 संविधान लिखा किसने था। बी आर अम्बेडकर। इनका मे भी ही चलेगा, संदीप का मे भी चलेगा, श्योर कभी नहीं होंगी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को है जानकारी और आप जागरूक युवा है, मे भी। हरप्रीत 26 जनवरी नजदीक है, आप जानती हैं 26 जनवरी के बारे में, क्या क्यों मनाते हैं? हाँ ये रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था 26 जनवरी 26 जनवरी को? पता नहीं स्कूल टाइम में बना था, पता नहीं याद नहीं रहा कुछ हुआ, मतलब देश हमारे देश की बात है। आप स्कूल टाइम में, आप कॉलेज में? हाँ 26 जनवरी को, यार नहीं पता क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है 26 जनवरी को क्या हुआ? इट्स अ गणतंत्र दिवस, उस दिन में भी नेहरू जी ने कुछ मतलब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, कुछ कोई फंक्शन वगैरह हुआ था 26 जनवरी को, मेरी हिंदी नहीं थी, सॉरी मेरी हिंदी नहीं थी। सन 2000 में जम्मू कश्मीर में कितने आदमी पैदा हुए होंगे, औरतें नहीं सिर्फ आदमी? जम्मू कश्मीर में कुछ पता है? 10,000 होंगे। अरे यार ये तो बहुत बेसिकली आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन द मेडिकल लाइन, सो आई कांट गिव द रिजल्ट ऑफ व्हाट टू से। आप भी तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन 50-60 आदमी पैदा होता है। आज के एपिसोड में मैंने आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की, हो सकता है आप इनफैक्ट हुए भी होंगे आप एंटरटेन, क्योंकि मेरे शो का नाम ही है कि जरा सोचिए तो सही, क्योंकि सोचने पर कर रहा हूँ मैं मजबूर। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, एक बार फिर नया एपिसोड एक नए सवाल के साथ हाजिर होगा जल्द ही आप लोगों के बीच। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। मेरे शो का ये मतलब है ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आप लोग भारत के बारे में जानो, और वो भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है तो हम लोग बता सके उनको 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लिखा किसने था, राष्ट्रीय गीत क्या है, जो भी हमारे भारत से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हमें दिल से जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। बहरहाल आज की इस एपिसोड में इतना ही, कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं अब्दुल हसन, वक्त इंडिया। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी खास पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ओके इंडिया के साथ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ओके इंडिया के साथ, नमस्कार।